तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं खेत में और छोटा बुल्ला सुबोध बैलों को जोत के बैलों को रेडी करके हल लगाने की तैयारी में है और यहाँ पे गोबर वगैरह सब डाल रखा है इस खेत में और हम फाइनली हैं हल लगाने की तैयारी में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेजेंड पहाड़ी प्रमोद राणा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज जा रखा हूँ मैं खेतों में हल लगाने के लिए और आपको दिखाने वाला हूँ मैं किस प्रकार से हमारे पहाड़ों में खेतों में हल लगाते हैं और कैसे हमारे पहाड़ों में बैलों के द्वारा खेती की जाती है। मेरे गांव का नाम है खोड़बांगर जो यहां पे है और ये जस्ट इसके नीचे की अगर यहां की मैं बात करूं तो यहां पे डांगी गांव है और ये यहां पे सब लोग खेतों में अपने अपने खेतों में हल लगा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भाई हल लगा रहे हैं नीचे और यहाँ इधर की मैं बात करूँ तो कुछ लोगों ने हल लगा दिया है और यहाँ पर ये है खेतों में गोबर डाल रखा है, जो कंपोस्ट खाद होती है वो खेतों में डाल चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोग हल लगा के घर जा रहे हैं और ये यहाँ पे बैल देख सकते हो आप और यहाँ पे अभी हमारे चाचा जी हल लगा रहे हैं और ये है मेरा छोटा भाई जो बैलों को रेडी करके हल लगाने की तैयारी में है और ये चाचा जी हैं, इन्होंने पूरा खेत हल्का लगा लिया है। काफ़ी सुबह आ चुके थे ये यहाँ पर और ये सामने पर है खोड़ गांव और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मौसम है, आसमान बिल्कुल साफ है और इसके अगर मैं यहाँ की बात करूँ यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ऊपर तो यहाँ पे है गुणेश्वर महाराज का मंदिर और ये है हमारे पूरे पूरी बांगर का नज़ारा, डांगी खोड़ का नज़ारा आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं अपने पहाड़ के खेतों की बात करूं तो हमारे पहाड़ों में खेत सीढ़ीदार होते हैं और इन सीढ़ीदार खेतों में बैलों के द्वारा हल लगाया जाता है और बैलों के द्वारा खेती की जाती है। तो बिल्कुल सावधानी से यहाँ पे बैलों से हल लगाया जाता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर जोर पड़ गया या बैलों को जल्दी भगाते हैं तो बैलों का नीचे गिरने का डर रहता है, इसलिए आराम से नीचे की साइड पहले आराम से लगाते हैं उसके बाद धीरे धीरे अच्छे तरीके से यहाँ पे हल लगाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अभी हल। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में जो हमारे पहाड़ की जो महिलाएं होती हैं वो खेतों में इस प्रकार काम करती हैं, कुदाल को लेके और नीचे की साइड जो ऊबड़ खाबड़ होती है, जो घास होती है, जो भी वहाँ पे दूब वगैरह उग रही होती है उसको साफ़ करने के लिए और उसकी निराई गुड़ाई करने से पहले और बीज बोने से पहले ये काम पूरा किया जाता है। इससे हमारे खेत बहुत ही अच्छे दिखते हैं और खेतों की बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छे दिखते हैं खेत और बहुत ही अच्छी यहाँ पे फसल उगती है। तो दोस्तों खेतों में हल लगाने के बाद फाइनली लगाते हैं जोल या पट्टा जिसको बोलते हैं, इसको लगाने का ये कारण होता है कि खेत एकदम प्लेन हो जाते हैं और जो भी मिट्टी के ढीले होते हैं वो सब बारीक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो हल है ये है लोहे का हल, इसको मैं दिखाऊंगा आपको, ये लोहे का हल है आप देख सकते हो, ये मार्केट से वेल्डिंग करके बनाए जाते हैं और एक होता है हमारे पहाड़ों में दूसरा हल जिसको मैं बताऊँगा अभी आपको। तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था वो था लोहे का हल और ये है काठ का हल जो लकड़ी से बनता है और इसके ऊपर ये लोहे का लगता है और ये पूरा लकड़ी का रहता है। तो दोस्तों ये है जुआ इसको बोलते हैं, इसको बैलों के कंधे में रखते हैं जिससे बैल हल को आगे खींचते हैं। दोस्तों ये है जोल, इसको जोल या पट्टा बोलते हैं, इसको इस जुए पे लगा के बैल आगे की ओर खींचते हैं, जो ये
मिट्टी के इतने बड़े बड़े ये रहते हैं, इनको फोड़ने के लिए और मिट्टी को प्लान करने के लिए इसका काम होता है। तो दोस्तों खेतों में गोबर डालने से पहले खेतों में गोबर को रखते हैं, इससे क्या होता है कि अगर हम इस प्रकार से खेतों में गोबर को रखेंगे तो गोबर सूखता नहीं है, और दूसरा इसको जिस टाइम पे अगर हम इसको जल्दी, दोस्तों खेतों में इस प्रकार से गोबर रखने का कारण ये होता है कि पहले तो अगर हम इस प्रकार से गोबर को रखते हैं तो वो गोबर सूखता कम है, और अगर इस प्रकार से हम गोबर को नहीं रखेंगे, अगर पूरे खेत में हम गोबर को डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि पूरा गोबर अगर हवा होगी तो उड़ सकता है, इधर उधर बिखर सकता है। लेकिन हल लगाने से एक दिन पहले इस गोबर को सही तरीके से हम यहाँ पर रखते हैं और एक दिन पहले ही इसको पूरे खेत में फैला देते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर हल लगाते हैं जिससे ये मजबूत पकड़ बनाते हैं और अच्छी कंपोस्ट खाद होती है। जिससे क्या होता है कि इस गोबर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे घरों में नेचुरल बनती है, ये गाय भैंस भेड़ बकरियों के मल मूत्र से बनाई जाती है और ये बिल्कुल कंपोस्ट खाद होती है। इससे हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा उर्वरकता शक्ति होती है और इससे हमारे फसलों में काफ़ी अच्छी उपज होती है। तो मैं ये रासायनिक खादों से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, तो ये हमारे गांव में मुख्य जो खाद होती है वो यही कंपोस्ट खाद होती है, लेकिन रासायनिक खादों का यूज़ हमारे पहाड़ों में, यहाँ तक कि हमारे गांव में बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा इसी कंपोस्ट खाद का यूज़ होता है। तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी इसी खेत अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप भी इसी खाद का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे और पौष्टिक खाद होती है फसलों के लिए। देख सकते हैं आप ये लगा रहे हैं लोहे के हल से हल, और यहाँ पे आप देख सकते हो हल लगाने के बाद खेत का कुछ इस प्रकार से ढांचा बनता है। इसके बाद हल लगाने के बाद लगाएंगे हम पट्टा, जिसको जो बोलते हैं, और यहाँ पे चाची जी लगी हुई हैं। इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में नारी शक्ति काम करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, क्योंकि इतने बड़े खेत के नीचे की साइड और ऊपर की साइड में इतना ज़्यादा काम करना मतलब नॉर्मल आसान नहीं है। और यहाँ पे विजेंद्र भाई लगा रहे हैं हल, और हल लगाने के बाद इसके ऊपर से जैसे ये खेत यहाँ पे प्लान हो चुका है, और इस खेत को भी अगर प्लान करना है तो यहाँ पे इसी से हल लगाएंगे। और ये कुछ यहाँ पे स्कूल जाती हुई बालिकाएँ। तो दोस्तों फाइनली सब लोग हल लगा के, सब दोस्त जितने भी मेरे साथ जा रहे थे, सभी भाई लोग अपने बैलों को लेके और हल को लेके, किसी ने इस वाली सार में हल लगा के पूरा हल लगा दिया है, और कुछ लोग जा रहे हैं अब घर की ओर। फाइनली मैं पहुंचा हूं अपने घर पे, और यहां पे ताऊजी बना रहे हैं सॉल्टी। आप देख सकते हो अलग अलग तरीके की रिंगाल होती है जिससे ये सॉल्टी बनाई जाती है। तो अभी हम ताऊजी को देख रहे हैं और वो बना रहे हैं सॉल्टी, जो कि बहुत ही टफ़ काम होता है। और अगर मैं इस रिंगाल की बात करूं तो इस रिंगाल से हर कोई सॉल्टी नहीं बना पाता है। और इसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बनने के बाद सॉल्टी का जो ढांचा होता है वो कैसा होता है, और इस सॉल्टी का जो काम होता है वो हमारे पहाड़ों में गोबर घास इत्यादि सभी चीज़ों को ले जाने के लिए, और कहीं पर हमें पत्थर वगैरह ले जाने हैं, या जंगल से गाय को बिछाने के लिए पत्ते वगैरह लाने हैं, तो इस सॉल्टी का काम वहाँ पे होता है। और ताऊजी बना रहे हैं सॉल्टी, और बनाने के बाद सॉल्टी का ढांचा कुछ इस प्रकार से दिखता है, और ताऊजी ने ये सॉल्टी बना दी है और ये बनके रेडी हो चुकी है। और अब इस पे लगाने हैं सिर्फ रस्सी, जिसको गढ़वाली में काका बोलते हैं, और इसको लगाने के बाद ये पीठ पर एकदम फिट हो जाएगी, और इससे हम हर चीज़ लाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और ये दूसरी सॉल्टी बन रही है अभी ताऊजी के हाथ से। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को पक्का प्रेस करना। तो बने रहिए लेजेंड पहाड़ी प्रमोद राणा के यूट्यूब चैनल पे, और लगातार देखते रहिए लेजेंड पहाड़ी पीपी।